गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हमने गुड मॉर्निंग करी अपने फिशेस से, आप देख सकते हो क्यूट क्यूट फिशेस है अंदर, बड़ी बोरी ब्लैक एंड ऑरेंज जाल है तो शायद कम दिख रहा होगा। तो डेली मैं लेट करता था, आज सब लोग लेट हैं, मैं रेडी हो चुका हूँ। अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से पेलिंग के लिए। हमारे ड्राइवर भैया हैं, वो कह रहे हैं कि हम कुछ कुछ जगहें हम देखते हुए जाएंगे, ऑन द वे पड़ेगा। जैसे चार धाम है एक, और कोई मोनेस्ट्री है, कह रहे हम देखते हुए जाएंगे। तो हमें थोड़ा सा जल्दी निकलना है, तो मैं रेडी हूँ, बाकी सब रेडी हो रहे हैं। अभी 8 बजे तक निकलना था, 8 बज चुके हैं, मैं 7:30 से रेडी हूँ। हमने जो अपनी जर्नी शुरुआत करी थी वो करी थी ईस्ट सिक्किम से, जिसमें हम गए थे बाबा के मंदिर गए थे, हम टोंगचुन लेक गए थे। बस ईस्ट में हमने छोड़ा है नाथुला पास, क्योंकि वो 14,500 का था। तो सबका रिकमेंडेशन ये था कि बच्चे को मत लेके जाओ, और वैसे भी मंडे एंड ट्यूसडे था, तो वैसे भी हम नहीं लेते, क्योंकि मंडे ट्यूसडे बंद रहता है नाथुला पास। जो भी आ रहे हो तो उस हिसाब से प्लान करना कि मंडे ट्यूसडे नाथुला पास बंद रहता है। तो जब हम जाने वाले हैं साउथ सिक्किम, जिसमें हम कवर करेंगे चार धाम, बुद्धाबाग और कोई मोनेस्ट्री है वो कवर करेंगे। फिर हम लोग कल जाएंगे, फिर हम लोग पहुँचेंगे वेस्ट सिक्किम, जहाँ पे हम लोग जाएंगे स्काई वॉक जाएंगे, पेलिंग जाएंगे। पेलिंग हम लोग का स्टे है आज, वहीं से हम लोग कल स्काई वॉक के लिए जाएंगे। नॉर्थ सिक्किम हम लोग नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ छोटा बच्चा है, और नॉर्थ सिक्किम के लिए न्यू एक्स्ट्रा 2-3 डेज जो हम लोग के पास नहीं है, क्योंकि वी ऑब्वियसली सब वर्किंग है, तो सब क्वारंटाइन होना है। कोई छोटे बच्चे के साथ आ रहा है एंड दे नीड मिल्क, तो यहाँ पे सिक्किम डेयरी मिल्क कहते हैं, जो डेली आप सुबह अपने होटल वाले को भी कह सकते हो और अपने कैब वाले को भी कह सकते हो, क्योंकि वो मिलता मॉर्निंग में ही, कभी नहीं मिलता इवनिंग में। तो उस हिसाब से प्लान करके हैं, चलिए ब्रेकफास्ट करते हैं जल्दी से और निकलते हैं फटाफट। ये खड़ी है माँ बेटी, देखो देख रही हैं, बेटी बाहर देख रही है हमारी वेदर। चलिए गाइस, करते हैं गैंगटॉक को बाय बाय और चलते हैं। सर भैया जी, सर अब हमारा अगला स्टॉपेज क्या है, व्हाट इज द प्रोग्राम? अभी आपका अगला स्टॉपेज है आपका चार धाम। ये कहाँ पड़ता है? नामचीनी पड़ता है, उसमें चार मंदिर है, टेम्पल है। उसके बाद इधर 1.5 घंटा घूम कर उसके बाद आपको बुद्धाबाग। तो हम अभी साउथ में जाएंगे, हम साउथ सिक्किम में जाएंगे। सो गाइस, अभी हमें महिंदर भैया ने ये छाछ दिलवाई है, लोकल छाछ है ये यहाँ की, और अभी हम ये पी रहे थे यहाँ की लोकल छाछ, अच्छा है, इसमें विदाउट सॉल्ट है ये, विदाउट सॉल्ट है, तो शायद कुछ लोगों को कम पसंद आया, बट है इट्स बहुत ज़्यादा प्योर है ये। तो आप जब आएँ तो ये ज़रूर ट्राई करिएगा, या आप अपने ड्राइवर से कहिएगा, जो भी आपका कैब ड्राइवर होगा उससे बोलिएगा, वो आपको दिला देगा ये, क्योंकि ये छोटे विंडोज पे मिलता है जो रोड साइड होते हैं, किसी स्टोर्स में नहीं मिलता है। गाइस, इसको हम सिंगटम ब्रिज बोलते हैं, ये हम जा रहे हैं अभी पेलिंग की तरफ। हम सबसे पहले चार धाम कवर करेंगे। सो गाइस, हम जा रहे हैं पेलिंग, ये है मोड़, अगर हम स्ट्रेट जाएंगे तो हम पहुंच जाएंगे सिलीगुड़ी, बट हमने लिया है यू टर्न नीचे के लिए, जा रहे हैं पेलिंग। अंकल जी देख लो, देखो गाइस, अभी हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया, पी ब्रेक लिया, और भैया को भूख लगी थी तो हम एक जगह रुके थे पीलिंग जाते हुए, तो हमें ये बहुत बड़ा सा ओम दिखा है यहाँ पे, आप देख सकते हो कितना बड़ा है। अभी हमें इसी रास्ते जाना है, अभी हम पीलिंग कम से कम अभी हम यहाँ से जाएंगे नामची, नामची में चार धाम देखेंगे, फिर हम वहाँ से जाएंगे पीलिंग।
ट्रैवल हिस्ट्री और देखो क्या 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 देखते जो हमको बचपन में देखा। गए वहाँ चुके हैं साउथ सिक्किम में चार धाम पे। बाहर से बहुत बड़ी शिवलिंग होती है, उन पर काम चल रहा है। चलिए अब अंदर चलते हैं हम लोग और दिखाते हैं आपको। तो ये महेंद्र भैया है, हमारे कैब वाले भी है, ये हमें घुमा रहे हैं। बेटी इनके साथ घूम रही है, देख लो स्पॉट दस प्रसाद। एक हमने यहाँ से लिया, एक हमने यहाँ से लिया। चलो चलें जी। यही देखो हम दोनों पति यहाँ से टोकरियाँ पकड़ के चल रहे हैं। यहाँ जी वही बेटी देखी स्टेज चढ़ रही है। यहाँ पर बाय टिकट एंट्री के लिए एंट्री फीस है 50। चैनल चार एडल्ट एक छोटी बच्ची डेढ़ साल की, तो कितना हो? 200। मम्मी दादा आओ। हेलो गाइस, तो यहाँ हम चार धाम घुस चुके हैं, आप देख पा रहे हैं। चुके ना, अभी हम एंट्री कर रहे हैं, हमारा भाभी भी जा रहे हैं, डमरू भी ले लिया है। ये गेट है, यहाँ से अभी एंट्री होगी। किरतेश्वर मकरिंग पे घुस रहा है। यहाँ पे आपको एक किया गया, हम लोग किरतेश्वर मकरिंग पे। रामेश्वर धाम है। आपको पूरा रामेश्वर धाम दिख रहा है। रामेश्वर धाम भगवान की जय। किशन भगवान को जय कर दो भाभी। ये है गाइस द्वारका में टेंपल, आप देख सकते हो जहाँ पे चुनरी टंगी हुई है। और ये हमारे साईं मंदिर, वासुदेवाय धीमहि प्रतिधानं करोति। प्रशान्त ले लो, सदा ले लो। हां वेरी गुड। जय करते पंडित जी। नारायण नमः संकर्षणाय तं त्यक्त्वा सुदोस्ते श्रेष्ठ धराज लक्ष्मी धर्मेष्ठार्य वसं राधारमणं। मया वंदे।
जहाँ पे फ्लावर देखिए पर्पल कलर का फ्लावर बहुत ज्यादा पर्पल ये देखो ऐसे ये है महाकाल ज्योतिर्लिंग जो कि उज्जैन में है। जैसे हम सबको पता है, आपने हमारे पुराने व्लॉग्स देखे होंगे तो उसमें हमने दिखाया था महाकाल का ज्योतिर्लिंग। हर हर महादेव, हर हर महादेव। शिव जी ने सवारी करी थी, धाम बना हुआ है। तो गाइस हम आए हैं बद्रीनाथ धाम में। हमारा एक आखिरी धाम है जगन्नाथ धाम। हमने रामेश्वर धाम से शुरू किया था, अब ये आखिरी धाम है जगन्नाथ धाम। गाइस हम लोग ने चार धाम घूमे हैं यहाँ पे। रामेश्वर एक है, रामेश्वर धाम जो साउथ में है तमिलनाडु के पास रामेश्वरम में। एक है जगन्नाथ धाम, एक है बद्रीनाथ धाम, एक है द्वारका धाम। द्वारका धाम है गुजरात में। बद्रीनाथ आप जानते ही हैं, बद्रीनाथ कहाँ पे, उत्तराखंड में। जगन्नाथ धाम है उड़ीसा में। और अब मौसम यहाँ पे बहुत ख़राब होना शुरू हो गया तो अब निकलते हैं धाम से। अब देख सकते हो